चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, ये तो चुनाव आयोग को सुझाव दे समाजवादी पार्टी के लोग या बाकी लोग सुझाव दे। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है सिंह जी के, और वो पत्नी वहां आईजी थी कि नहीं, वो उनको हटना चाहिए था कि नहीं हटना चाहिए था। देखिए मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका भी आप जवाब दे दीजिए। आजमगढ़ उपचुनाव में जहाँ से माननीय मुलायम अपने सवाल का जो मैं पूछा उसका तो जवाब दीजिए। वहां जब उपचुनाव हुआ तो श्रीमान अखिलेश यादव वहां की जनता से संवाद करने जाना मुनासिब नहीं समझा, और गोला में भी अखिलेश यादव जी का कोई कार्यक्रम नहीं लगा, वो जनता से संवाद करना मुनासिब नहीं समझा। तो ये सामंती जो सिस्टम है ये लोकतंत्र में नहीं चलता। जनता के द्वारा ये बात देखिए बीजेपी इसको मुद्दा बनाती कीर्ति निधि जी ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत मुद्दा बनाती है और लोगों के बीच में एक परसेप्शन पैदा करती है कि भाई अखिलेश यादव निकलते क्यों नहीं है, अब चुनाव में तो निकलेंगे नहीं क्या, चुनाव तो चुनाव है। आप देखिए गोला में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज उतार दी चुनाव, और जब हम उनसे सवाल करते हैं वो कहते हैं हम गंभीरता से लेते हैं, तो इसी को वो मुद्दा बनाती है कि गंभीरता से लेते नहीं अखिलेश यादव। देखिए गोला गोकर्णनाथ का चुनाव ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि जब पूरी पार्टी दुख की घड़ी में थी, नहीं हमारे नेता और देश के नेता, ठीक बात है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु होने के बाद पूरी पार्टी शोक में थी, और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, इसमें कोई शक थी उसके तहत उन्होंने जो क्रियाकर्म करने में तमाम संकटों के साथ, ठीक है गोला गोला की सीट छोड़ दीजिए भाई, आजमगढ़ और रामपुर तो आपका आपका होम ग्राउंड था ना आनंद जी। जो सवाल मैं कह रहा हूँ, आजमगढ़ रामपुर में जब आम चुनाव होंगे आप देखिएगा दोनों जगह समाजवादी पार्टी जीतेगी, दोनों जगह। और एक विजय उपाध्याय कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए सर बोलिए। जो सवाल मैं खड़ा किया उसका जवाब हरीश जी नहीं दिए, अभी देंगे अभी देंगे, दोबारा उनसे पूछ लेंगे, दोबारा पूछ लेंगे। विजय जी जल्दी से रख लीजिए, वो कह रहे दूंगा जवाब। विजय जी पहले अपनी बात रख लीजिए जल्दी से सर, लगातार बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के पास अभी मौका है, दो बाई इलेक्शन फिर अनाउंस हो गए हैं, एक रामपुर का एक मैनपुरी का, ये ठीक आजमगढ़ और रामपुर की तरीके से ही है। तो पार्टी तो क्या करेगी है? मुझे लगता है पांडे जी अपनी पार्टी को क्या एडवाइस देंगे कि बनानी चाहिए और कैसे इन दोनों सीटों को अपने आप अपने पास बचा के रखें, क्योंकि ये इनकी प्रतिष्ठा की सीट है। मैनपुरी लोकसभा जो है कभी बीजेपी जीत नहीं पाई है, और पिछले जनरल इलेक्शन विधानसभा में अखिलेश यादव वहां बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन फिर भी भाजपा ने टक्कर दी। तो एक दो मजबूत किले समाजवादी पार्टी के वो फिर दांव पे हैं, और जो कमियां मुझे लगता है रामपुर आजमगढ़ में या फिर अभी गोला में समाजवादी पार्टी से रह गई हो, जो चूक रह गई हो, मुझे लगता है यहां पे पूरी करनी चाहिए। क्योंकि पीछे जाएंगे, जैसे आईजी को हटाने की बात, आईजी का डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ऐसे तो सरकार को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि सरकार रहती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी चीजें तो कोई ना कोई तो देखेगा। बिल्कुल, आप चुनाव के समय में निष्पक्षता पारदर्शिता तो सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी को हटाएंगे? पांडे जी का चुनाव लड़े और हमारी उनकी अच्छी दोस्ती है या मैं उनका रिश्तेदार हूं तो मुझे भी हटा दिया जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, निष्पक्षता पारदर्शी जवाब होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बेमानी नहीं होनी चाहिए, ये सवाल आप कर रहे थे, क्योंकि सरकार ही रहती है। आईजी का पुलिस में पूरा हस्तक्षेप, आईजी मंडल के अफसर हैं, उनका हस्तक्षेप ही नहीं है पुलिस विभाग, डीजीपी का होता है। और मैं कह रहा हूं उनके पति चुनाव लड़ रहे थे, अगर इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता दिखा दी थी तो दूसरे जगह पोस्ट। ठीक है विशाल के पास कुछ बड़ी अपडेट है, विशाल रखिए रखिए अपडेट बताइए। देखिए आपको बता दें कि 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 राउंड के बाद अमन गिरी लगातार 12,500 वोट से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 12,500 का मार्जिन जो है वो अमन गिरी ने बना लिया है, और 12,500 का अपडेट जो है वो अभी दिखाई पड़ रहा है फिलहाल। ठीक है विशाल, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है विशाल, कीर्ति निधि पांडे जी थोड़ा अच्छे संकेत नहीं है, 12,500 का मार्जिन ठीक ठाक है? मैं तो कह रहा हूं जी, जनता का जो फैसला होगा उसको समाजवादी पार्टी स्वीकार करेगी, लेकिन उसके साथ जो सवाल है उसको भी समाजवादी पार्टी उठाएगी और लगातार उठाएगी, क्योंकि लड़ने का संकल्प समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम राजनीतिक दल मैदान छोड़ के बाहर है। लेकिन हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, तो रोकने की लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगी, सच की लड़ाई जारी रहेगी, झूठ के खिलाफ सच की लड़ाई समाजवादी पार्टी हमेशा जारी। हरी जी, हरी जी,
झूठ के खिलाफ सच की लड़ाई जारी रहेगी। वो ये लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है अपनी अपनी लड़ाई जारी रखने की, लेकिन जनता निर्णय